तो अस्सलाम वालेकुम शुएब के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि शुएब कौन है, क्या करते हैं, और फिर कुछ लॉजिस्टिक्स की ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे पिछले 1 साल में। तो शुएब थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए, आप लॉजिस्टिक्स क्या वालेकुम सलाम करते हैं और इसमें कैसे आ गए। जरूर वालेकुम सलाम रहम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट टाइम आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। एंड मैं अपना सर तारुफ करवाऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा ही शॉर्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में 2015 में स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ ड्रॉपशिप कोरियर्स एंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, उसमें हमारा जो कोर बिजनेस का जो मॉडल है वो है कैश ऑन डिलीवरी, COD। उसमें क्या होता है कि हम जो है ज़ाहिर COD सबको नहीं मालूम, बेसिकली COD भी लिखते हैं तो उसको कोड पढ़ते हैं और सबका डेफिनेशन अलग अलग होती है COD की। तो COD कैश ऑन डिलीवरी स्टैंड फॉर जब हम कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है और उसको पेमेंट अपफ्रंट यानी प्रीपेड करना पसंद नहीं होती तो उसको प्रीपेड करती है, यानी कि जब राइडर उसके दरवाजे पे पार्सल लेके आता है तो उसको ऑफर करता है कैश और वो उसके थ्रू पेमेंट ले लेता है और उसको पार्सल दे देता है। तो ये होता है COD। हम इसको ऑफर करते हैं कराची, अक्रॉस कराची, बेसिकली हम कराची से, तो पूरे कराची से और पाकिस्तान में हम इसको साथ करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो लाइनअप है, हमारी जो टीम है वो कराची के बेस करती है, फ्लीट हमारी कराची में, कोर बिजनेस हमारा कराची में, पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ कोलेबरेशन है कुछ कंपनीज के साथ। हम अपने पार्सल्स उनको साथ उनके राइडर्स उनकी फ्लीट के साथ मर्ज करके कोलेबरेट करके बेचते हैं गांव में, देहातों में, बड़े शहरों में। तो इस तरह जो रीच होती है इवन स्कर्दू तक हम अपने पार्सल पहुंचा सकते हैं, राइट। ये हो गया। फिर हम आते हैं, हम COD के साथ हम ऑफर करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिप कोरियर नाम बेसिकली ये है कि है तो ये कोरियर सर्विसेज, लेकिन ये बेसिकली जो है ड्रॉपशिप, अगर ये भी सबको मालूम नहीं है तो ये भी बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग जो है एक वेंडर से हमने सामान खरीदा दूसरे और बायर को बेच दिया और प्रॉफिट जो हमने दे दिया, ये छोटा सा मॉडल हम करते हैं उन कस्टमर के साथ जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो हम 5,000 रुपये 10,000 रुपये एज अ कुरियर करता नहीं, ये रूल नहीं है, मॉडल नहीं है, लेकिन हम ये भी ऑफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 5,000 रुपये नहीं होता, ऐसा होता है 5,000 रुपीज़ नहीं होते किसी के पास, 10,000 रुपीज़ नहीं होते किसी के पास, कोई कॉलेज जाता है तो समटाइम नहीं इन्वेस्ट भी करना चाहता। तो हम क्या करते हैं उनके बिहाफ पर वेंडर को पेमेंट करते हैं, फिर उन्होंने जहाँ बेचा होता है वो हमें एड्रेस दे देते हैं अपने जो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जो भी तरीके का हमने उनको दिया होता है वो हम उनको सामान पहुँचाते हैं, फिर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये मॉडल नंबर 2 हो गया हमारा ड्रॉप शिपिंग का। इसके बाद मॉडल नंबर 3 हम करते हैं जो है मूवर्स का, यानी कि होम मूवर्स है, ऑफिस मूवर्स है, तो हम शिफ्टिंग भी करते हैं अक्रॉस कराची एंड अक्रॉस द कंट्री, तो हमारी ये भी फ्री अवेलेबल है, तो ये भी हम काम करते हैं। इसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि लोगों का अपने पार्सल्स पाकिस्तान से बाहर भेजने, तो हम ये भी भेजते हैं, हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है। इम्पोर्ट करना है लोगों को अपने पार्सल अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से मंगाना है तो हम इम्पोर्ट भी करते हैं, हम इनके पार्सल्स मंगवा भी सकते हैं और कराची में उनके घर पे, कराची में पूरे पाकिस्तान में उनके घर पे डोर स्टेप पर देंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पोर्ट्स पे आ जाए पार्सल लेने, आपका पार्सल आ गया है फिर ड्यूटी दीजिएगा, ऐसा काम नहीं करते हम, प्रॉपर फुलफिल वन विंडो सोल्यूशन देते हैं क्लाइंट्स को। तो ये भी हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये हमारी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। और हम सिंस 2015 से इस मार्केट में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की। जाहिर है कंपनीज बहुत सारी हैं और हर किसी में, हर हर छोटी और बड़ी कंपनी है, अब तो ये मॉडल ई कॉमर्स जो है पिलर है लॉजिस्टिक्स का, तो लोगों ने शुरू कर दिया है, नई नई कंपनीज लॉन्च हो गई हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि खुद को ग्रो करने का, लोगों के साथ कोलेबरेशन करने का, विदाउट कोलेबरेशन तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। सो यस, ये है मेरा स्टार्ट था लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जी। तो मुझे आपका स्टार्ट तो कहीं भी नजर नहीं आया, ये आप इस बिजनेस में कैसे आ गए? मैं इस बिजनेस में कैसे आ गया? ओके, ये बेसिकली सिंस 2015 से पहले मेरा एक बिजनेस और था मॉडल, वो आईटी सर्टिफिकेट था, तो बस उसको मैंने कोई लाइक 4 to 5 years काम किया, तो उसमें कुछ स्टेबल नहीं हो सका कुछ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो फिर उसको वाइंड अप करना पड़ा। इससे पहले मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, लाइक कॉल सेंटर एक प्राइवेट बैंक में था, एज अ सेल्स मैं करता था और वहाँ पर मैंने 3 years
अपना जॉब किया, पहले जॉब किया लेकिन ब्लड में बिजनेस था, तो बिजनेस उसके बाद शुरू किया 2009 से 2014 तक मैंने बिजनेस किया फॉर आईटी। इसके बाद 15 से लेकर और अब तक मैं ऑनवर्ड चल रहा हूँ। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि बेसिकली सर्विस बिजनेस शुरू करना, और इस बिजनेस की और बिजनेस ही की कोशिश थी शुरू से करना, और बिजनेस की ख्वाहिश थी करना। तो बिजनेस में आने का मकसद ये था कि बिजनेस वो किया जाए जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जो सर्विस, अगर सर्विस बिजनेस ही बेटर इस हवाले से है कि उसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। यानी कि अगर कोविड आया तो कोविड में हमारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर गई, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें एनहांस हुआ और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो हम भी यही कर रहे हैं, और बिजनेस का शुरुआत से लेकर अब तक कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। तो मेरी गट फीलिंग है कि पिछले 5 साल में आपने अपना बिजनेस को 400-500 गुना बड़ा किया है, क्या ये गट फीलिंग सही है या कुछ गलत है? सर अल्लाह करे आपकी ये गट फीलिंग ठीक हो, लेकिन इतना ज्यादा 100% तो 500% तो ग्रो नहीं किया, लेकिन कुछ परसेंट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहूंगा लास्ट सिंस कोविड जब आया, अराइव हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि कोविड, लोग कहते हैं कि मुसीबत आ गई, ऐसा नहीं है। कोविड ने लोगों को बदला है, हम सब डिजिटल हो गए हैं, हमें कहना है SOP, हमें कहना है कि हम जूम पे मीटिंग करें, हमें कहना है कि हम डिजिटल पेमेंट्स करें, हमें कहना है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन का तो मकसद पता ही अब चला है हमें, ऑनलाइन शॉपिंग करना तो हमें अब मालूम पड़ी है। दुकानदार बोल्टर मार्केट के हमारे वेंडर्स से जिनसे हम सामान उठाते थे, वो कहते थे कि अब हमारा काम बंद हो गया। हम कहते थे ऐसा नहीं, अपनी शॉप्स को क्रिएट करें आप और उसको डिजिटल लेके आए। सामान आपको क्या करना है, हम तो सामान हमारा कोरियर बॉय आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपने क्या करना है कि आपने सामान को बेचना है। बेचना कैसे है, अपनी शॉप्स को क्रिएट करें, दराज पे वेबसाइट बनाएं या दराज पे स्टोर क्रिएट करें, लेकिन बेचें। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाएं, अपने क्लाइंट्स को अवेयरनेस दें। इसके बाद क्या करें, आप खुद को जो डिजिटल करेंगे, आप खुद को सोचेंगे कि आप डिजिटल हो गए, पहले तो खुद की सोच को बदलें। ऐसा आप बोल्टर सिग्नल जाए, काम तो करते रहना है। डिजिटल होने का मकसद यह है कि अब आपके पास फोन आ गया है, राइट? आप ऐसा नहीं है कि अब मैं, मुझे वहां जाना है, आपके पास एक एक लम्हे के लिए आप एक मिनटों में अपने क्लाइंट से इन टच होके आप उसको बेच सकते हैं। दैट्स इट, कोरियर पार्टनर आपके साथ है, आप उसको कॉल करें, कॉल बुक करें और कोरियर लेके जाएगा, आपका पार्सल डिलीवर कर देगा, पेमेंट आपको कर देगा आपके अकाउंट में, दैट्स इट। अब कहाँ से आ गया कोविड, इसमें कोविड का क्या कसूर? कोविड तो आपके लिए ब्लेसिंग बना ना, कि उसने आपको काम करना सिखा दिया, आगे 10 साल आगे की सोच दे दी। सही है। तो कोविड के अंदर मुझे किसी ने कहा कि 700 गुना इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड की है, क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसे ही सर। लॉजिस्टिक्स जो जहर है, जो हमारे से जो एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस है, जिनके पास बिजनेस अगर 100% था तो 700+ हो गया, डेफिनेटली हुआ। क्योंकि फर्स्ट सब होता है जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज काफ़ी जो 40+ प्लेयर्स से हैं, जो 4 डिकेड से काम कर रही हैं, जब वो इस इंडस्ट्री में है तो उनका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो किया है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉजिस्टिक्स सबसे ज़्यादा ग्रो की है। और इसका प्लेयर जो है ई कॉमर्स, इसका प्लेयर है लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स, दोनों एक साथ साथ ही हैं, तो डेफिनेटली दोनों साथ ग्रो किए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे अगले सब साल। मैं कह रहा हूँ सारे साल इन्हीं के यही काम किया है। सही। तो जो आने, अभी पिछले एक साल में हमने देखा है कि लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करी है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, लोगों के बिहेवियर में तब्दीली आई है, सेलर्स के बिहेवियर में तब्दीली आई है, फाइनली वो एडमिट कर रहे हैं कि ओके हम इसको करेंगे। मेरे ज़ाती ख्याल तो ये है कि अभी तक भी 5-10% भी अडॉप्शन नहीं हुई है, अभी तो 90% बहुत काम होना बाकी है, और ये वो टाइम है जिसके अंदर हम अगर मेहनत कर लें तो हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे बहुत सारे ममालिक से।
क्या तीन चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आजकल के स्टार्टअप्स को और आजकल के नौजवानों को एंटर करना चाहिए और इस लॉजिस्टिक्स के ग्रोथ से फायदा उठाने के? तो सबसे पहले जो मैं कहूंगा, जो भी ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो अपने आप को सब्र में रखें, यानी कि पेशेंस जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई भी कारोबार करने से मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस शुरू हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये बात कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कोविड में बढ़ गई है तो आप भी इस इंडस्ट्री में आए। पहले आप अपने आप को एवेल्युएट करें, क्या आप इस लायक हैं, क्या आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अगर बूम कर रही है तो आप उसमें खुद को एंटर कर लें, ऐसा नहीं है। नंबर वन, पेशेंस जरूरी है, इसके बाद इस बिजनेस को सीखना जरूरी है। नंबर टू, जो लर्निंग, लर्निंग के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और नंबर थ्री, इसके बाद कोलेबरेशन। आप जब तक किसी भी कारोबार में कोलेबरेशन नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकते। ये नहीं सोचिएगा कि आप अकेले ही वन मैन शो होगा और काम कर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी कारोबार में वन मैन शो नहीं है, ये बिल्कुल अपने दिमाग से, यानी कि यंग जनरेशन जो आ रही है वो स्टार्टअप्स वगैरह क्रिएट करती है, अच्छी बात है, वेरी 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 वेल डन। लेकिन आप कुछ स्टडी करें, कितनी मार्केट प्लेसेस हैं, वो वन मैन शो नहीं है। वन एक एक खुद को अकेला करके और आगे बढ़ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद कर सकते हैं, ये सोच अच्छी है, लेकिन खुद सब कुछ नहीं कर सकते। ये सोच को बदलना होगा कि हम हर चीज मिलके आपस में कोलेबरेट करके ही कर सकते हैं। तो ये मेरे तीन पॉइंट है, पेशेंस है, फिर इसके बाद लर्निंग है, फिर इसके बाद कोलेबरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप क्या तीन रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में किस तरीके से मदद कर सकती है इंडस्ट्री की? सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट, और बिल्कुल ये हर किसी की रिक्वेस्ट होगी, कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो भी, देखिए टैक्सेस तो देना है, इसमें कोई वो नहीं है। टैक्स देना, तो जब जब हम टैक्स देंगे तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें सर्विस दें। अगर हम टैक्स ही नहीं देंगे तो हम गवर्नमेंट को कैसे किसी कोई भी बात पे क्लेम कर सकते हैं कि हमें ऐसी ये वाली सर्विस दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। टैक्स को दें, उसमें रिलैक्सेशन दें, उसमें जो हमारे पास जो जो हमारी जो एसोसिएशन जो काम करती हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उनके साथ अगर हम उनके साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, और ठीक है टैक्स की एक लिमिट, एक चीज मेरा जो कंसर्न ये है कि टैक्स को फिक्स कर लें और टैक्स एक अमाउंट को फिक्स कर लें। ऐसा नहीं कि हर महीने या हर क्वार्टर में उसको वेरिएशन लेके आए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। इस अमाउंट को फिक्स कर लें तो वो बेटर होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो कि ग्रो कर रही है और जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री जो है हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट है, सर्विस बिजनेस है, और मतलब हर कोई इसके लिए चाहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इम्पोर्ट हो, चाहे लोकल हो, एवरीथिंग, एवरीबडी नीड्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, हमने मेरी रिक्वेस्ट पे आपने इनक्यूबेटर, लॉजिस्टिक्स इनक्यूबेटर ऑफ पाकिस्तान भी बनाया और उसमें हमारी ख्वाहिश ये थी कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी इदारे हैं, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इकट्ठे होके बैठे। तो उसकी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी दावत दें लोगों को कि वो लॉजिस्टिक्स इनक्यूबेटर को ज्वाइन करें, जाके वो लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में अगर हैं या आना चाहते हैं तो वो आपके साथ मिलके इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करें। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे और रिक्वेस्ट करूंगा, और मोस्ट वेलकम। जो भी मेरा, अगर देखें सीखना तो हर कोई चाहता है और सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने ही फौरन ही सब कुछ सीख लिया और हर किसी का होमवर्क डन हो गया, ऐसा नहीं। लर्निंग फेज एवरी डे होता है, हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं। तो मैं दावत दूंगा, मैं चाहूंगा कि लोग आए इस इंडस्ट्री में, आए और जुड़े, सीखें इस बिजनेस को। इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगेन रिक्वेस्ट है, पहले खुद को इवेल्युएट करें कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहते हैं ना भेड़ चाल, कि हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज में, अगर स्ट्रीम कॉमर्स भी कर रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो करें। लॉजिस्टिक बिजनेस आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपसे हो सकता है तो करें। बिल्कुल किसी को देखा देखी ऐसा नहीं होता, ये बिजनेस कोई भी नहीं होता। लेकिन मोस्ट वेलकम, मैं जो कुछ सिखा सका इस इंक्यूबेटर में लॉजिस्टिक्स के हवाले से, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने लर्न किया है, मैं अपने आप के जो कुछ भी, अगर किसी में डाइवर्ट कर दूं और अपनी जो भी नॉलेज को आप किसी को भेज दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैं वेलकम करूंगा हर किसी को, हर हर कोई
को चाहे कोई स्टार्टअप अपना नया सा क्रिएट करना चाहे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आए और अगर हम अपनी कंपनी चला रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जरूरी है, मैंने यही कहा कोलैबोरेशन है, तो कोलैबोरेशन होती तो दूसरे स्टार्टअप आएंगे तो हमें फायदा होगा, हमारी रीच और ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में जो इनोवेट हो गई हैं पिछले कुछ सालों में, फूड पांडा की वजह से खाना इनोवेट हो रहा है, और अभी तक खाने की पैकेजिंग के मसले बाकी हैं, अभी भी नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि बहुत लोग आ गए। इसी तरीके से दराज की वजह से पैकिंग के बहुत सारे मसले ठीक हो गए हैं, इसी तरीके से ऊबर और करीम ने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत सारे चीज़ों को टेक केयर कर दिया है। मुझको दरख्तों का और पौधों के ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, लोग ग्लास भी बेचते हैं, बत्तियां भी बेचते हैं, माइक्रोफोन भी बेचते हैं, कंप्यूटर्स भी बेचते हैं, फ़ोन भी बेचते हैं, हर एक की पैकिंग फ़र्क होती है। एक और प्रोडक्ट है जो कि हमारी ई कॉमर्स में बहुत जिसकी स्पेस है वो है पौधे, और पौधों के लिए अभी तक पैकिंग डिज़ाइन नहीं करी है किसी ने कि आपने पौधे को इस पर्टिकुलर पैकिंग में रखा है, और स्टैंडर्ड जिस तरह पिज्ज़ा के डब्बे मिल जाते हैं कि आप जाके स्टैंडर्ड खरीद के ले आएँ कि भाई ये 9 इंच का डब्बा है, 10 इंच का डब्बा है, ये 50 इंच का डब्बा है, जितने भी इंच का डब्बा है, पौधों के लिए अभी तक किसी ने इनोवेशन नहीं करी। और पौधों की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 20,000 नर्सरियाँ हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त बहुत उरूज पे जा रहे हैं पौधे, लोग बहुत शौक से लगा रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप अगर गूगल करें, तो आपने अभी अहमद के साथ काम भी किया है, तो अगर आप गूगल करें तो आपको डिफरेंट डिजाइंस मिल जाएंगे इंटरनेशनल जो पौधों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग बनती है, जिस तरह पिज्जे के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग बन गई है, इसी तरह पौधों की पैकेजिंग भी स्टैंडर्ड मिलती है जो कि अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाई है। तो अगर आपकी जो कंपनी है वो उसमें थोड़ी सी कोशिश कर ले, हर चीज़ में तो कोशिश नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि आप अहमद के साथ काम कर रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं इस इंडस्ट्री में, उनके पास इनोवेशन भी है, पैसे भी हैं, लेकिन वो थोड़े पढ़े लिखे कम हैं और वो इस तरह से डब्बे नहीं इनोवेट कर पाएंगे, तो आप एक बड़ा चंक उठा सकेंगे। जैसे इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि दराज का ऑफिस तक नहीं है पतोकी में, तो हालांकि वहाँ पर 5,000 नर्सरियाँ हैं सिर्फ जो पौधे की फैक्ट्री है, यानी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो, मेरे नज़दीक पौधों की इंडस्ट्री है पूरी है, और उसको कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसी तरीके से जो रेलवे है और जो इदारे हैं उन्होंने भी कोई इस तरह की इनोवेशन नहीं करी कि हम पाकिस्तान रेलवे के थ्रू सारे मुल्क में पौधे ट्रांसपोर्ट कर सकें। अभी सारा माल ट्रकों के ज़रिए आता है, वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो इसके लिए कुछ मुमकिन होगा कि आपकी कोई टीम या कोई बंदा इस पर इनोवेशन पे करे, डब्बों की इनोवेशन पे, कि भाई आपने छोटा पौधा लेना है उसका, जैसे 5 रुपए का पौधा है, 10 रुपए का डब्बा है, तो आप वो पूरे मुल्क में कहीं भी शिप हो सकता है। पहले वो शिप भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके अंदर कोई पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है इस तरह की पौधों की। जी शोएब, बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस मार्केट को तो टैप किया ही नहीं गया बेसिकली। मैं तो आपको देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, आप जानते भी हैं, दरख्त लगाएं और अपने लिए, दूसरों के नस्लों के लिए, तो दरख्त तो इतनी ज़रूरत हो गई है आइंदा के लिए, अभी के लिए, हमेशा के लिए। ये तो अब इस हमारे पास लोगों ने समझना शुरू किया है। तो मैं इस कहूँगा कि असल में प्रॉब्लम यह है कि नर्सरी, आप जो कह रहे हैं लोग पढ़े लिखे नहीं है, पहले हम उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी बात, जो मैंने पिछले दिन काम किया, अहमद भाई हमारे बहुत ही सच अ नाइस पर्सन, अच्छा एक्चुअली उनको भी समझाना थोड़ा सा ये हो रहा था कि वो घबरा रहे थे कि कॉस्ट की वजह से अगर वो कस्टमर को एक पौधा महंगा बेच देंगे तो कस्टमर नाराज ना हो जाए। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उनके लिए क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट था। मैं सोच रहा था कि उनके लिए मजीद ग्रो करने के आगे के ऑर्डर्स के लिए, नेक्स्ट रिपीट ऑर्डर के लिए, अगर वो प्रेजेंटेशन के साथ ऑर्डर को प्रेजेंट करेंगे, अपने क्लाइंट को देंगे प्रॉपरली, एक प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग के साथ, तो वो बेहतर होगा। अगर वो उसको महंगा बेचते भी हैं तो उसका प्रूफ दे रहे हैं कि मैंने आपको पैकेजिंग दी, मैंने आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन दी। खैर, इसमें सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन। नर्सरी के जो भी लोग हैं, हम उनको समझाएं कि अगर आप पौधा महंगा बेचेंगे तो आप गुनाह नहीं कर रहे, आप कोई आपके लिए कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, कोई आपको बुरा नहीं समझेगा, कोई आपको चीटर नहीं समझेगा।
आप महंगा आप पौधे का ख्याल भी तो कर रहे हैं ना, वो पौधा जानदार है, आप उसकी केयर कर रहे हैं, वो छोटा बीज है या पौधा है उसको आप प्रॉपर पैकेज करें। और खैर हमने इसके लिए डिस्कशन किया है, हम इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अब आपने भी कहा है और आप कह रहे हैं, मैं जरूर इस पर वर्किंग भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपने एक हिसाब से मुझे कनेक्ट भी किया है, मैं जरूर डेफिनेटली आपकी वजह से आपके रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इतना करते हैं तो हम छोटा सा अपना पार्ट देने कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, मैं जरूर करूंगा। मेरे पास एक दो आइडियाज हैं, असल में सबसे बड़ी बात यह है, मेरी ख्वाहिश है कि लोग इस चीज को समझें, क्योंकि देखें यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सिर्फ आइडिया देंगे, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जाहिर है कॉस्ट उनकी होती है, पौधे उनके हैं, कस्टमर उनका है, उनकी आपस में इंटरेक्शन है, तो हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने क्या कहना है कि हमारी कॉस्ट कितनी है, बाकी पैकेजिंग कितनी करनी है, डब्बा बनेगा, बड़ा बॉक्स बनेगा लकड़ी का, जो भी बनेगा वो जाहिर है उनको ही देखना होगा, एट द एंड फैसला उनके करना है। यस, सिखा हम देंगे इंशाल्लाह, मैं जरूर सिखा दूंगा, मेरे पास आइडियाज बिल्कुल है, गूगल तो भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, हर चीज, पैकेजिंग तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं जरूर डेफिनेटली मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे, मैं इस पर जरूर वर्किंग करूंगा, और मैं जिसको सिखाऊंगा भी मैं उसको लाइव देके जाऊंगा, आपके सामने बताऊंगा कि इस तरह आप करें तो आपके कस्टमर के लिए और अट्रैक्शन होगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि आपको पौधे वालों को समझाना होगा, मेरा ये ख्याल है कि हमें डब्बे बनाने होंगे, उस पर अपने जेब से 25,000 रुपये के डब्बे, फॉर एग्जांपल हमने बनवाए, 100 डब्बे बना लिए, 1,000 डब्बे बना लिए, और फिर हम उनको बता सकते हैं कि हमने बना दिए हैं, डब्बा अवेलेबल है। बहुत सारी इनोवेशन ऐसी होती है जो देख कर समझ में आती है, ये इलिटरेट लोग नहीं है, ये अनएजुकेटेड लोग नहीं है, अहमद तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, एक्सपोजर की कमी है, उन्होंने कभी ऐसा कोई डब्बा ही नहीं देखा, उनके इलाके में शायद चाइनीज फास्ट फूड के डब्बे उन्होंने नहीं देखे कि उनको आइडिया हो। आइडिया जो है देखने से आता है, तो अगर आपने डब्बे क्रिएट कर दिए, छोटा सा डब्बा अगर आप खुद क्रिएट कर दें जी, और आप क्या करें एज अ लॉजिस्टिक कंपनी, आप उनसे मोरिंगा के पौधे खरीद के, 5 रुपए का या 2 रुपए का पौधा आता है, आप अपने 100, आपने मुझे मग्गा दिया, आपने मग्गे के ऊपर 90 रुपए खर्च किए, आप 90 रुपए के मग्गे की जगह मुझको आप 2 मोरिंगा के पौधे भेजते, तो मुझे हमेशा याद रहता है, मग्गे तो बहुत लोग देते हैं, मोरिंगा का पौधा भी नहीं देता। तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आप एक छोटा सा डब्बा डिजाइन करें, और आपको इंटरनेट से वो मिल जाएगा जिसमें सुराख हो, आप अहमद साहब को 100 डब्बे शिप करें, और उनसे कहें अहमद भाई मैं आपको ये डब्बे उठाऊंगा और ये पैकिंग लेबल आपने इस पे लगा देना है, और फिर पत्तों की से वो डब्बे निकलेंगे, और आपके जो 100 कस्टमर हैं, 50 कस्टमर हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, ईदी के तौर पे आप उनको एक मोरिंगा का पौधा भेज देंगे, 5 रुपए का डब्बा बनेगा मैक्सिमम, 5 रुपए का पौधा आएगा, 10 रुपए आपके मटेरियल कॉस्ट होगी, उसके ऊपर कोरियर की जो आपकी कॉस्ट है मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, चले 100 रुपए है, आपने मुझे मग भेजा उसकी भी तो कॉस्ट आई, तो अब आप 120 रुपए का आपने मोरिंगा का पौधा लगाया, और आपने लिखा कि जी आपकी कंपनी का क्या नाम है, ड्रॉपशिप कोरियर्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो ड्रॉपशिप कोरियर्स एंड लॉजिस्टिक्स, वी लिव टू बी ग्रीन, और जो कुछ भी ग्रीन का कोई भी आपने लगा दिया कि जी हम पाकिस्तान को सरसब्ज़-सादा बनाने में आपके साथ हैं, आप भी अपने कस्टमरों के लिए इस तरह के 100 डब्बे हमसे खरीद सकते हैं, हम आपके नाम के डब्बे बना के पौधे हम भी शिप कर देंगे, तो हम पूरे पाकिस्तान मिलकर 10 बिलियन ट्री लगाने में या 100 बिलियन ट्री लगाने में दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो अब आपने मुझे कहा रेहान भाई मैंने आपके आइडिया के ऊपर ये डब्बे बना दिए, आप अपनी कंपनी के तो मुझसे 100 डब्बे तो खरीदें, आप मैं आपको बेच रहा हूँ 120 रुपए का, आप विद डिलीवरी आपके मुझे सिर्फ कस्टमर लिस्ट दे दें, मैं आपके लिए एक पौधा डब्बा बनाऊंगा, पौधा लगाऊंगा, और आपके 100 कस्टमरों को डिलीवरी कर दूंगा, 12,000 रुपये जरा बरीज भिजवा दीजिए 100 डब्बों के, या 15,000 रुपये भिजवा दीजिए 100 डब्बों के। इनोवेशन ऐसे होगी ना कि ऐसे हो कि आप अहमद को अहमद नहीं समझेगा, तो आपने एक बीच का ब्रिज बना और इसी में आपका फायदा है, यानी फिर आप एक्सक्लूसिव ही कितारा बन जाएंगे जिसके अंदर अहमद को भी नहीं समझाना, आपने खुद समझना, हम सब समझते हैं, हम दूसरों को समझाएंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती, हम थक जाते हैं, कभी कभी आ जाती है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा रिसीव करते हैं, कुछ लोग बहुत कम रिसीव करते हैं, तो आप क्योंकि ज्यादा रिसीव करते हैं तो पहला कस्टमर मैं हूं आपका, अगर आप मुझे इस तरह से 100 डब्बे बना के मेरी कंपनी के देते हैं कि ये आप मुझे 100 नाम दे दें, मैं आपके नाम के ये भिजवा देता हूँ,
तो मैं भिजवा दूंगा। इसी तरीके से आपको प्राइवेट लेवल का पता है अमेजोन के, तो अब आप, मैं नर्सरी खोलता हूँ, मेरे पास ट्रीज डॉट कॉम है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं ट्री डॉट कॉम पे एक शॉपिफाई की प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ पौधे बेचने का। अभी मैं कैसे बनाऊँ? आप मेरे पास आएंगे, रेहान भाई काम करते हैं, आप सिर्फ ऑर्डर फुल कर लें, आपको मार्केटिंग में अच्छे हैं, मैं आपका प्राइवेट लेवल ट्रीज डॉट कॉम के डब्बे बना देता हूँ, पौधे भी मैं आपको दूंगा, मैं पतों की से माल उठाऊंगा, शिप कर दूंगा जहां बोलेंगे, इतने पैसे चार्ज करूंगा, ये 10 पौधे। आप एक काम करें ना, ट्री डॉट कॉम पर ये तो बेचना शुरू करें। इसी तरह आप सनी अली के इंक्यूबेटर में जाएं, उनके ग्रुप में जाएं, वहां अनाउंस करें कि जी आप में से कौन पौधों की दुकान खोलना चाहते हैं। आप लोग दुकान खोलें, शॉपिफाई के एक्सपर्ट आप हैं, दराज के एक्सपर्ट आप हैं, मैं आपको पैकिंग बना के, प्राइवेट लेबल बना के, आपकी दुकान बना के आप बेचें, मेरा काम है शिप करना पहुंचाना, गारंटी मेरी, खराब होगा तो मैं पौधा चेंज कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, एक नई इंडस्ट्री पैदा हो जाएगी। अभी हम अलीबाबा से माल खरीद रहे हैं कि भाई ये इसके ऊपर मेरा नाम लिख दो, हमारे अपने पौधे हैं, पौधे का कोई ब्रांड नहीं है, आपने सिर्फ डब्बा बनाया, पिज्जा हट का डब्बा है, पिज्जा हट के पिज्जे पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पिज्जा पिज्जा हट का बना हुआ है, वो तो अंदर वही आटा है, वही डो है, वही पनीर है, वही कीमा है, वही टमाटर है, सब वही, सिर्फ डब्बे का फर्क है। तो आपने दरख्त के लिए एक डब्बा बनाना है और वो डब्बा डिफरेंट कंपनीज को प्राइवेट लेबल करके देना है, और मैं भी पौधे बेच रहा हूँ, अहमद भी पौधे बेच रहा है, फुरकान भी पौधे बेच रहा है, 100 बच्चे अगर पौधे बेचने में लग गए जो मास्टर सेलर्स हैं, OLX पे बेच रहे हैं, सबके ब्रांड्स बन गए। तो आप देखे ना, अभी तक टपाल की ब्रांड की चाय थी, मोरिंगा के ब्रांड का अभी तक कोई पौधा नहीं मिल रहा, नर्सरी को हमने ब्रांड नहीं किया। तो अब आप एक नई इंडस्ट्री क्रिएट कर देंगे, यहाँ होती है इनोवेशन, क्योंकि आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को मिक्स करते हैं, आप मार्केट के लीडर बन जाते हैं, क्योंकि एक आपको शौक भी इनोवेशन का, और अब आप ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसे वर्टिकल में घुस गए जिसको कोई केटर नहीं कर रहा था, पौधों की डिमांड बहुत है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं आपसे खुशी से 100 तो जरूर ले लेंगे, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, इज नॉट अ बिग डील, कि चले आप 100 से सैंपल से टेस्टिंग कर लें, अगर आपको अच्छा लगे हमसे भिजवा दें। दूसरा ये कि आप यूथ को इंगेज करें, आप 8 लाख बच्चे शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म सीखने के लिए बैठे हुए, उसमें से अगर 800 लोगों ने भी दुकान खोल ली पौधे बेचने की ऑनलाइन, तो कॉम्पिटिशन आना शुरू होगा, अहमद भाई खुद ही सर खुजा रहे होंगे, और भाई यार गलती हो गई, शुभ भाई मुझे भी डब्बे भेज दो, मैं भी शुरू हो जाता हूँ। सो दिस इज हाउ यू इनोवेट, रादर देन कि हम हमेशा इंतजार कर रहे हैं। तो माई सजेशन वुड बी कि आप हो या और कोई, एक किसी और नौजवान को ले आए बीच में, पार्टनर बना लें कि बेटा एक काम करो, मैं ये वाला कंपोनेंट देता हूँ, तुम ये वाला कंपोनेंट ले आओ, हम मिलके ये काम शुरू कर लेते हैं। इनक्यूबेटर बनाने का मकसद भी यही है कि वो एक मार्केट प्लेस है, सारे दुनिया के काम आप नहीं कर सकते। कल को कोई आदमी कहता है अच्छा एक काम करते हैं, पानी के लिए भी पानी बेचना शुरू करते हैं, तो आप शोएब भाई पानी बेचने में तो नहीं जाएंगे, बोतलें अवेलेबल हैं, स्टिकर बनाने वाले अवेलेबल हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पानी के नाले बह रहे हैं, उसमें सिर्फ पानी भरना है, शिपिंग एंड मैनेजमेंट शोएब का काम, वो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाए, लेकिन उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दें। अगर आप गौर करें तो शिपिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जब कंपार्टमेंटलाइज हो गई, यानी कि कंटेनर बेस्ड हो गई, तो गेम चेंज हो गया। क्लाउड की इंडस्ट्री कंटेनर बेस्ड हो गई, अमेजोन ने कंटेनर्स बना दिए प्रो सॉफ्टवेयर के, आके आप क्योंकि आईटी में रहे हैं, आवाज आ रही, आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है यहाँ पे, मुझे आवाज आ रही है आपकी। तो क्योंकि आप आईटी में रहे हैं तो कुबरनेटिस आया और उसने कहा कि जी आपको 100 सर्वर चाहिए, आप कंपार्टमेंट बना दें, एंटर दबाएं, आपको 5 मिनट के बाद 100 सर्वर मिल जाएंगे। ये चीज पहले मुमकिन ही नहीं थी, हर आदमी अलग सर्वर बनाता। जो चीज कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है, कंटेनर वेस्ट हो जाती है, वो ग्रो करने लगती है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आपका आपका इसमें इनोवेशन क्या है कि जी अभी मैं पानी, रेहान अल्लाह वाला पानी बेचना चाहता है, नहीं बेच सकता, लेकिन उसके पास ब्रांड अवेलेबल है। जुनेद जमशेद पानी बेचना चाहता है, जुनेद जमशेद चाहता है कि जी नेस्ले का पानी खत्म हो जाए, जुनेद जमशेद का पानी आ जाए। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं हुए हैं, उसमें क्वालिटी अश्योरेंस की क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज मुझे खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब चोर हैं, डाकू हैं, एक दूसरे से डरते हैं कि ये चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। तो जैसे ही कोई कंपनी ट्रैक्स की तरह, आपकी कंपनी की तरह आती है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, बाइकिया की तरह आती है जो कि एक एक मॉड्यूल सॉल्व कर देती है, तो ऑन्टरप्रेन्योर का काम तो बेसिकली ये है कि भाई चावल ले आओ, आलू ले आओ, मुर्गी ले आओ, मसाले ले आओ, मिक्स करो, बिरयानी तैयार हो।
अभी हम पानी नहीं तैयार कर सकते, अभी हम पौधे नहीं तैयार करके बेच सकते हैं, खामखाई में परेशान बैठे हैं कि यार ये पौधे बिक नहीं रहे। अहमद की मार्केट वही 10 रुपए वाली है, मेरे पास वो कस्टमर मौजूद है जो मुझे 1,000 रुपए का पौधा ले लेगा। अहमद नहीं बेच सकता उसका, उसको उसको आइडिया देने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम उनको आइडिया ही नहीं दें, हम उन बच्चों को आइडिया दें जो फारिग बैठे हुए हैं। रेहान भाई मुझे आप असिस्टेंट रख लें, 15,000 20,000 दे दें, मैं आपकी शॉपिफाई की दुकान चला दूंगा। आ जाओ भाई बैठो यहाँ पे, ट्री डॉट पीके के ऊपर तुम जरा दुकान बनाओ, 50-50 करेंगे सारा, ये बिजनेस मॉडल है, चलाओ शुरू हो जाओ। तो ये वो कंपार्टमेंटलाइजेशन की मैं आपको तरफ थोड़ा सा, लॉजिस्ट जो इनक्यूबेटर का मकसद है वो ये कि सब लोग बैठे, मार्केट है वो, पांच प्रिंटिंग वाले बैठे हुए हैं, पांच प्लेटें बनाने वाले बैठे हुए हैं, पांच जो है वो डिफरेंट लोग बैठे हुए, तो वो मार्केट के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसा, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप एक्चुअली आपने जो कहा ना कि हम किसी को सिखाएं, इससे बेहतर है कि हम उसको करके दिखाएं। सबसे बड़ी जरूरत यही है, इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि लोगों को हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करके देंगे वो उनको शायद समझ में नहीं आएगा। और मार्केट बहुत बड़ी है और इस पर हम काम कर सकते हैं, लोग काम कर भी रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस जो जो भी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से है और जो भी प्लेयर काम कर रहे हैं इस फील्ड से मुंसलिक हैं, उन्होंने अल्टीमेटली अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लिया है। वो अपनी चीजें, क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स हैं, उनके पास सर्विस, जो सर्विस यूज कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, हर तरह क्लाइंट है। वो फिर क्या करता है कि वो उनसे शॉप परचेसिंग शुरू कर देता है, उनसे बाइंग शुरू कर देता है। तो अल्टीमेटली जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, जो भी, जैसे कि लेट से हमारा ड्रॉप शिप है, हम ड्रॉप शिप कोरियर चला रहे हैं, तो हम इसके साथ कोलैबोरेट करके ट्रीज, हम जो है एक्सक्लूसिवली ट्रीज, मिनी प्लांट्स, इसको हम बिल्कुल अपनी पैकेजिंग के साथ बेच सकते हैं मार्केट में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है किसी भी चीज़ को इनोवेट करने में टाइम लगता है, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने में टाइम लगता है, सिखाने में समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल करके, हम उसको प्रैक्टिकल करके फ्रंट से उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो जाहिर है वो खुद भी इस पे ऑटोमेटिकली अमल करना शुरू कर देगा, जो भी हमारे जो भी हमको फॉलो करते हैं, जो भी हमारे साथ काम कलेक्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल राम भाई, ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसको टैप करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह बिल्कुल, ये आपसे लर्निंग है, तो हर कोई आपसे लर्न कर रहा है, तो मैं तो एवरी डे आपसे सीखता हूँ, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपसे के साथ हूँ और आपसे बात करता हूँ। आपने मुझे इतना जबरदस्त आइडिया दिया, इंशाल्लाह इस पर जरूर मैं वर्क करूंगा और इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली आपको मैं जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम इस पे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, मैं इस आईडी पे अपने पैसे भी लगा दूंगा, डोमेन भी दे दूंगा। आप अगर एक पीएल का बच्चा उठा लें एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप से, जिसको शॉपिफाई या कोई सीसी कॉमर्स या किसी भी साइट को चलाना आता हो, वो शुरू के डब्बों के पैसे मैं लगा दूंगा। ट्रीज डॉट पी के की जो है वो अहमद से माल खरीद लेगा डब्बा, और हम सिर्फ छोटे पौधे बेचेंगे जो कि इतने से होंगे, और 10 पौधों से ज़्यादा नहीं होंगे, और कोई पौधा नहीं है। और लोग जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ सस्ते हैं हमारे पास, वहाँ से हम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। तो इफ़ यू थिंक कि आपका इनक्यूबेटर इस एस आई डी को इनक्यूबेट कर सकता है, तो इस पे जो 50,000 लाख रुपए लगेंगे वो मैं डाल दूंगा। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा का कोई मटेरियल कॉस्ट है इसके अंदर। ज़्यादा जो कॉस्ट है वो बेसिकली टाइम की है और मार्केटिंग की है। और अगेन मैं अनाउंस कर दूंगा, लोग बहुत सारे आ जाएंगे लेने के लिए इस प्रोडक्ट को। डोमेन जैसे मैंने बताया ट्रीज डॉट पी के है, और सप्लाई चेन कंप्लीट है। आप कोरियर हैं, डब्बे वाले कराची में बहुत हैं, आप कहेंगे मैं किसी को भेज दूंगा, कस्टमर मौजूद है, देर इज नो रीजन कि हम इसको ट्राई ना करें। ज्यादा से ज्यादा क्या जरूर होगा, फेलियर हो जाएगा, लेकिन उस फेलियर से हम कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। रैम, अगर फेलियर होते भी हैं तो बुरा नहीं है, हमने जहाँ पौधे लगाए हैं वो सबका जारी है, वो सबके लिए काम आया, तो उसमें कोई विन विन सिचुएशन है इंशाल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले, मेरे पास किसी का मैं वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं हट जाऊंगा। बस दैट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे एक पूछना है कि आप मुझको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसकी क्या वजह है? आप मुझे क्यों इतना ज्यादा
पुश करते हैं या आप प्रमोट करते हैं, आपके नजदीक मुझे आपकी आंखों से क्या नजर आता है? अच्छा, ये सवाल आपने किस लिए किया है? ये सवाल आपने मेरे लिए किया है या फेसबुक पे उन लोगों के लिए किया है जिनको एहसास नहीं है, दोनों जिनको के, जो ये दोनों के लिए? ओके, मेरे तो लिए तो आप क्या है, दो इसमें जवाब ये भी दे सकते हैं और एक के अंदर दोनों मर्ज भी कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप दो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग अलग दूंगा, मैं दोनों दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि आपका शागिर्द हूँ ना। तो पहला जवाब ये है कि मैं अगर आपको प्रमोट करता हूँ तो उसकी वजह है कि अभी मैं आपके साथ जूम पर बैठा हूँ, इसका जवाब मिल गया। आपने मुझे आइडिया दिया, आपने मुझे कहा कि हम साथ काम कर सकते हैं, तो ये जवाब सबको मिल गया, राइट? नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि वो शख्स है जो 2015 से शारा फैसल पे बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड लगाए हुए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आओ कनेक्ट हो जाओ, आओ दोस्त बन जाओ, दुनिया से मिल जाओ। मैं जब ट्रेवल करता था, शारा फैसल मेरा ऑफिस होता था, मैं देखता रहता था, मैं बोर्ड देखता था, यार कौन, मतलब कि कौन शख्स है ये, कौन शख्स है जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड लगाए हुए हैं, दोस्तियां कर रहे हैं, दुनिया से मिला रहे हैं। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि हमें कितना बेनिफिट होता है कि आपस में कोलेबरेट करके, आपस में लोगों को एक दूसरे को जानने से, अक्रॉस द बॉर्डर्स लोगों से बातचीत करने से, आपको लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपका मजीद जहन खुल जाता है। ये नहीं कि आप एक ही दायरे में घूमते रहें, आपको अपने जहन को खोलने के लिए दूसरे लोगों के साथ बात करना जरूरी है। इसमें कोई शर्माने की, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से कनेक्ट हो, बातचीत करें, यही रेहान भाई का मकसद है। और यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि रेहान भाई कोई चीटिंग नहीं कर रहे, कोई किसी के एजेंट नहीं है। लोग कहते हैं यूएस, तो यूएस है तो क्या हो गया, सिखा तो रहे ना आपको, आप सीखें, आप कंट्रीज को आप विजिट करें, आप लोगों से बात करें, घर बैठे ऑनलाइन होते हुए आप दुनिया से कनेक्ट हो जाएं, ये रेहान भाई का मकसद है। आप लोगों को समझ आ जाए तो बड़ी बात, नहीं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक दूसरे को तो उससे ट्रस्ट पैदा हो जाता है, और जब ट्रस्ट पैदा हो जाता है तो रिश्ते जुड़ना शुरू हो जाते हैं, रिश्ते जुड़ना शुरू होते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो गुर्बत कम हो जाती है। ये इसको घुमा के अगर आप समझना चाहें तो ये भी। थैंक यू शोएब, आपने टाइम दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया। मेरे पास कुछ मशीनें हैं जो कि मुझे इंडिया से मंगानी है, बनाना से प्लेटें बनाने की, वो मैं कैसे मंगा सकता हूँ? इंडिया से मंगवानी है तो इसके लिए रैम भाई कुछ हमें वक्त चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया से अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए वो होता है, जो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, लेकिन हम इसके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई है कोविड की वहां पर। तो इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली तो नहीं, हम मूव करते हैं वाया दुबई टू कराची, मूवमेंट इस तरह बनेगी, तो आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यो वेलकम, टेक केयर।